एवरीवन, माई सेल्फ तफसीर आलम, आपका मेरे यूट्यूब चैनल तफसीर जॉब अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सहकारी बैंक में निकली हुई 638 पोस्ट के बारे में। तो अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, एपेक्स बैंक की। यहाँ पे जो है आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट, और नीचे जो है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो ये डाउनलोड एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन में आकर आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। मैं इसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं एडवर्टाइजमेंट में, तो क्लिक करते हैं एडवर्टाइजमेंट को। अभी हम आ गए हैं कि एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑन 368 पोस्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड ग्रेड इन 35 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिविटी क्या क्या दिया गया है। तो एक्टिविटी देख रहे हैं हम कि यहाँ पे 10 मार्च 2023 को एडवर्टाइजमेंट जो है रिलीज़ हुआ है, और उसी दिन जो है आपको फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 9 अप्रैल 2023 को है। अमाउंट जो है, फ़ी जो है 500 और 250 रखा गया है, कैटेगरी वाइज, और 18% GST है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो विल बी पब्लिश्ड ऑन बैंक वेबसाइट, इसलिए जो है फॉर्म भरने के बाद जो है बैंक वेबसाइट पे रेगुलर आप बने रहिए। उसके बाद जो है और डिटेल दिए गए हैं कि कॉल लेटर, उसके बाद एक रिजल्ट और इंटरव्यू के डेट जो है वो भी बैंक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं उसकी जो है बैंक वैकेंट पोस्ट की क्या क्या डिटेल हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है 35 पोस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट के 35 पोस्ट, मार्केटिंग ऑफिसर के आपको दिख रहे हैं 29 पोस्ट, इंटरनल ऑडिटर के 25 पोस्ट, इंटरनल इंस्पेक्टर के 17 पोस्ट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के 12 पोस्ट, 12 पोस्ट हैं, ब्रांच इंस्पेक्टर के 17 पोस्ट, ब्रांच मैनेजर के 367 पोस्ट, असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर के 27 पोस्ट, सब इंजीनियर के 8 पोस्ट हैं, 8 पोस्ट, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के 15 पोस्ट, अकाउंटेंट के 38 पोस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 13 पोस्ट। टोटल जो है 638 पोस्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें जो है क्या क्या पोस्ट के डिटेल भी नीचे दिए गए हैं कि सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड सेकेंड के जो पोस्ट हैं उनके जो है कहाँ कहाँ पे, जो किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पोस्ट हैं, इसकी जानकारी भी नीचे दी गई है, आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये पूरी जो यहाँ पे भी दी हुई है, नीचे भी दी गई है, ये सारी पोस्ट की जानकारी जो है दी गई है। अब हम आते हैं यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है देख लेते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए क्वालिफ़िकेशन BE BTech है, और MCA विथ 60% मार्क्स है। प्रेफरेंस जो है सारे में जो है दिया है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन द कैंडिडेट फ्रॉम द RBI लाइसेंस बैंक हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस। उसके बाद अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट की भी दिया है, MBA CA होना चाहिए, प्रेफरेंस भी दिया गया है इसमें। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ये भी क्वालिफिकेशन MBA है, प्रेफरेंस भी है। इंटरनल ऑडिटर, इन सारे जो है आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन के डिटेल मांगे गए हैं। अब अगर हम बात करें कि पे स्केल क्या क्या है, तो पे स्केल जो है 7th पे स्केल और 6th पे स्केल जो है यहाँ, मतलब सैलरी बहुत ही हैंडसम होगी, अच्छी सैलरी होगी। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है लिमिट, तो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, मिनिमम जो है 18, मैक्सिमम जो है 40 जो है इसमें एज लिमिट दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि हाउ टू अप्लाई, और जो है एज रिलैक्सेशन भी आप देख सकते हैं कि एज अ कैटेगरी क्या क्या दिया गया, आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अप्लाई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सबसे पहला फॉर्म काम करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पेमेंट फ़ी करना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट को स्कैन में अपलोड करना पड़ेगा। और स्कैन के लिए सारी डिटेल दी गई है कि फ़ोटोग्राफ की क्या है डिटेल है, फ़ोटोग्राफ की डिटेल है, सिग्नेचर की डिटेल है, सारी डिटेल दी है। आप फॉर्म भरने से पहले जो है एक बार ज़रूर जो है एडवर्टाइजमेंट को जो है पढ़ लें। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम देखें कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या क्या दिया हुआ है, तो ये रहा स्ट्रक्चर, इसमें दिया हुआ है एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर दिए गए हैं। प्रोफेशनल नॉलेज जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स, CBT होगा। उसके बाद जो है सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, इंग्लिश जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, जनरल अवेयरनेस जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट्स के लिए, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट के लिए। टोटल जो है 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 140 मिनट्स के लिए होंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ नोट्स हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नोट्स जो है दिया गया है 2.5
सॉरी 0.25% जो है एवरी रॉन्ग आंसर में से कट किए जाएंगे आपके। दो 200 मार्क्स के आपके रिटन एग्जामिनेशन है, 20 मार्क्स के आपको इंटरव्यू जो है दिया जाएगा। उसके बाद जो EWS के लिए जो दिया गया है ये बात की गई है, बाकी सारे रिपोर्ट जो है इसमें दिए गए हैं, आप इसको जो है एक बार चेक कर लीजिए और फॉर्म जो है भर लीजिए। उसके बाद जो है इसमें जो है अगर हम लोग देखें तो सेंटर भी दिया गया है कि हाँ ये रहा MP के जो है सेंटर हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, ये जो है पाँच जो है आपको दिया गया है, पाँच जो है सेंटर हैं। और फिर यहाँ पे सबसे नीचे अगर हम आगे देखें ये रहा तो 35 डिस्ट्रिक्ट के जो है सारे यहाँ पे बैंक के डिटेल दिए गए हैं। अपने जो है आप फॉर्म भरने के टाइम जो है प्रिफ्रेंस भी डाल सकते हैं, अब प्रिफ्रेंस भी डाल सकते हैं। तो मैं तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जो है जॉब से रिलेटेड वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। और एक बात याद रखिए कि ये जो पोस्ट है एक पोस्ट इसमें आपका है, इसी उम्मीद से ये पोस्ट भरिए और जो है तैयारी कीजिए। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच।